बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी का जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सैनी को पार्टी के आला नेताओं ने शुक्रवार को पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान सौंपी है। वो 74 दिन बाद पार्टी का अध्यक्ष पद संभालेंगे। सैनी संघ से तृतीय वर्ष शिक्षित हैं और शुरू से ही भारतीय मजदूर संघ से जुड़े रहे हैं। एक बार उदयपुर वाटी से विधायक भी रहे हैं। सैनी का स्वागत करने राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य पार्टी के पुराने कार्यकर्ता सवेरे से ही एयरपोर्ट पर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इनमें शहर अध्यक्ष संजय जैन, स्थानीय पार्षद, बीजेपी के विधायक, महापौर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट से निकलते ही मालाओं से उन्हें लादा और सैनी जिंदाबाद के नारों से आसमान गुंजायमान कर दिया। सैनी एयरपोर्ट से सीधे मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचेंगे, जहां से वो अंबेडकर सर्किल पहुंचेंगे और बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वो कार्यकर्ताओं के भारी लवाजमे के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर, चिकित्सा मंत्री कालेचरण सराफ, अरुण चतुर्वेदी, हेम सिंह भडाना सहित कई मंत्रियों और पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत करने का जिम्मा लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा फोन लाइन पर जुड़ रहे हमारे साथ। जी बताएं। भारती, आपको बता दूं, मदन लाल सैनी जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। वहां पर कार्यकर्ताओं ने बड़े गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत किया है, क्योंकि 74 दिनों के बाद पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष मिला है। और जो है, मदन लाल सैनी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, जनसंघ से जुड़े रहे हैं, मजदूर संघ से जुड़े रहे हैं, और लगातार पार्टी मुख्यालय में उनका आगमन रहा है। भले वो किसी पद पर रहे हों या नहीं रहे हों, लेकिन उनका नियमित ये कार्य था कि वो अपने पार्टी कार्यालय आते थे और पार्टी कार्यालय से आते थे, तो इसलिए उनका जुड़ाव एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर बड़े पदाधिकारी तक रहा। भले ही प्रदेश अध्यक्ष कोई सा भी रहा हो, लेकिन उन्हें कोई पद दिया हो या नहीं दिया हो, वो पार्टी कार्यालय में आकर अपना कार्य नियमित रूप से करना नहीं भूलते थे। यही कारण है कि आज जब वो जयपुर आए तो उनका स्वागत करने के लिए सुबह से ही कार्यकर्ताओं का भारी लवाजमा एयरपोर्ट पर मौजूद था। उन्हें एयरपोर्ट पर मालाओं से लादने के बाद में सीधे जो वाहन रैली के साथ में उनको मोती डूंगरी गणेश मंदिर ले जाया जा रहा है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचने के बाद वो वहां पे दर्शन करेंगे, मोती डूंगरी गणेश जी के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, और आशीर्वाद के बाद में वो वहां से कार्यकर्ताओं के साथ ही पार्टी मुख्यालय के लिए रवाना होंगे। इस बीच रास्ते में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर रुकेंगे, वहां पर उनका श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है। इसके बाद सीधे वो महात्मा ज्योतिबा सर्किल जो सहकार मार्ग पर है, बाईस गोदाम स्थित, वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर भी महात्मा ज्योतिबा फुले राव की प्रतिमा जो है वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, और उसके बाद सीधे पार्टी कार्यालय जाएंगे। पार्टी कार्यालय पर भी सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं। राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य हैं, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूर्व जो पदाधिकारी रहे हैं वे पूर्व पदाधिकारी भी हैं, वर्तमान पदाधिकारी भी हैं, और अभी ही जो है उनको सीधे जो पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष है अशोक परनामी, वो कार्यभार सौंपेंगे। कार्यभार सौंपने के बाद में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और तमाम नेता उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद उनका पार्टी मुख्यालय में जो सभागार है वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। तो इस प्रकार बिल्कुल मदन लाल सैनी अभी गणेश जी के मंदिर जा रहे हैं, उनके रास्ते में भी जगह जगह स्वागत किया जा रहा है, वाहनों का काफिला उनके साथ में है, लोग भाजपा जिंदाबाद, मदनलाल सैनी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और बड़ी मतलब अच्छा माहौल पार्टी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक सामान्य कार्यकर्ता को जब भारतीय इस तरह का पद मिलता है तो वाकई में जो आम कार्यकर्ता होता है उसमें एक अपने दिल की खुशी अलग ही झलकती है। किसी को थोपा हुआ नेता हो, किसी का पुत्र हो या कुछ और हो, तो अगर उसको जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, आम कार्यकर्ता में इस तरह की खुशी नहीं होती है। लेकिन जब एक आम कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हो, जिसने कभी पद की परवाह नहीं की हो, बिना पद के भी वो एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर रोज जिस तरह कोई व्यक्ति कोई सरकारी कार्यालय में अपनी हाजिरी लगाता है, उसी तरह अगर वो जयपुर होते हैं तो सीधे पार्टी कार्यालय आएंगे। यदि वो अपने जो उदयपुर वाटी या झुंझुनू इलाके में होते थे तो वो बस से सीधे पार्टी कार्यालय आते, तीन चार घंटे वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठते, जो भी उनको जिम्मेदारी मिली होती थी उसको पूरा निभाने के बाद अपने घर जाते थे। तो इस तरह के मदनलाल सैनी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, इसीलिए उनके स्वागत में इतने लोग उमड़े हैं। अब वो सीधे गणेश जी के मंदिर पहुंचने वाले हैं, मंदिर पे दर्शन करेंगे, दर्शनों के बाद में सीधे जैसा मैंने बताया आपको ज्योतिबा फूले, अंबेडकर साहब, और उसके बाद
वहां पर श्रद्धांजलि देंगे और फिर पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे। पार्टी जी नीरज, जो तस्वीरें देख रहे हैं हम एयरपोर्ट पर उनके स्वागत की, तो जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक नई जान नजर आ रही है, जैसा कि आपने बताया कि संघ से जुड़े रहे हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो एक खासा जुड़ाव उनसे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं तो उनको लगता है कि अब ज्यादा बेहतर तरीके से सारी चीजें हो पाएंगी। देखिए, वैसे मैंने आपको बताया कि मदनलाल सैनी जो है पुराने कार्यकर्ता है, 74 वर्षीय कार्यकर्ता है, बचपन से वो संघ से जुड़े हुए रहे हैं, तृतीय वर्ष शिक्षित है वो, तो और मैंने कहा कि वो एक बार विधायक रहे हैं, लेकिन वो लगातार भले ही किसी भी पद पे रहे हो, प्रदेश अध्यक्ष कोई भी रहा हो, वे पार्टी मुख्यालय आना नहीं भूलते हैं, पार्टी मुख्यालय आते हैं, पार्टी में जो भी काम होते हैं भले ही उन्हें कोई जिम्मेदारी दी गई हो नहीं दी गई, वो काम जरूर करते हैं। और यही कारण है कि उनका एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर एक पहचान बनी हुई है, विधायक रहे भी हैं और उन्हें अनुशासन समिति का अध्यक्ष भी उन्हें बनाया गया था, भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष रहे हैं वो लंबे समय तक, तो इस तरह से उनका हर आम कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ है। और कार्यकर्ताओं को लगता है कि जब एक आम कार्यकर्ताओं को इस तरह की जिम्मेदारी मिलती है तो उनका उत्साह स्वतः ही बढ़ता है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि पार्टी में शायद हो सकता देर है पर अंधेर नहीं है, क्योंकि उन्हें भी आने वाले समय में इस तरह का मौका मिल सकता है। तो यही कारण है कि एयरपोर्ट पर जिस तरह का लवाजमा आप देख रहे हैं, जिस तरह की भीड़ लोगों की देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं, तो ये सब इस बात का प्रतीक है कि मदनलाल सैनी को जब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया तो लोग स्वतः ही स्वप्रेरणा से वहां पहुंचे हैं उनका स्वागत करने के लिए, और वो भारी लवाजमे के साथ में उनको मोदी डूंगरी गणेश मंदिर लेके आ रहे हैं, गणेश मंदिर में है वहां पर दर्शन करेंगे, वहां पे जो महंत है पंडित कैलाश शर्मा जी वो उनका स्वागत करेंगे, उन्हें मसाला उड़ाएंगे और गणेश जी के वहाँ पर पहुंचकर मन्नत मांगेंगे कि उनके जो पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया उनके कार्यकाल में बीजेपी फिर से सत्ता में आए, तो इस तरह से जो पूरा कार्यक्रम है उसके बाद सीधे पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। जी नीरज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ, इस खबर पर पूरी जानकारी उन्होंने दी कि किस तरीके से एयरपोर्ट पर मदनलाल सैनी का स्वागत किया गया, गर्मजोशी के साथ उन्हें मालाओं से लाद दिया गया, कार्यकर्ताओं में खास तौर से एक नया उत्साह नई ऊर्जा साफ तौर पर छलक रही है, और आने वाले चुनावों में जाहिर सी बात है इस बात का फायदा भाजपा को कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा।